नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये डिजाइन बनाकर दिखाते हैं और इसको कहाँ फिट करते हैं वो पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों चल रहे वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो करने से पहले शुरू दोस्तों अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले अपन ये पिलर देख रहे हो वाइट वाला, इसके ऊपर अपन इस डिजाइन को लगाने वाले हैं। तो लगाने के लिए अपन को इसकी मार्किंग करनी पड़ेगी। तो मार्किंग को किस तरह करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसमें देख सकते हैं, इसमें डबल मार्किंग कर रखी है। अंदर वाली मार्किंग है जहाँ तक अपन को इसकी कटिंग करनी है, और कटिंग करने के लिए अपन को इसकी जो मार्किंग करेंगे वो किस तरह करेंगे, तो एक लकड़ी का अपन को फरमा काटना पड़ेगा इस तरह, जिसमें आप देख सकते हैं गुलाई है, अंडाकार गुलाई बनाई हुई है दो सूत की पिलाई के अंदर। ये पिलर देख सकते हैं, इसके अंदर ये अपन ने डिजाइन को लगाया जा रहा है। इस डिजाइन को लगाने से पहले दोस्तों अपन देख रहे हैं दो मार्किंग है, ये दो मार्किंग के अंदर वाली है मार्किंग, उस पर अपन को कटिंग करनी है। और बीच का हिस्सा है उसको दो सूत के अंदर गहरी मशीन से अपन को इसमें कट लगाना है, और दो सूत अंदर गहरा इसकी कटिंग करने के बाद में आप देख सकते हैं मशीन की ब्लेड केवल दो सूत अंदर गहरी इसमें जानी चाहिए। और इसकी पूरी कटिंग करने के बाद में अपन इसकी तुड़ाई कर लेंगे। तुड़ाई करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, बार का एरिया है वो टूटना नहीं चाहिए, ताकि अपन को जो डिजाइन इसमें लगाने वाले हैं उसकी खैरिज नहीं हो और इसमें अच्छी तरह से लग जाए। बाद में अगर इसमें अगर बार से कोई टूट जाता है तो उसकी फिलिंग भी नहीं कर सकते और वो देखने में बहुत बेकार लगता है। तो इसको किस तरह तोड़ना है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक बार इसकी कटिंग होने के बाद में, जैसे ही इसकी कटिंग हो जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये कटिंग कर चुके हैं इसकी आधी, और अब इसकी पूरी कटिंग होने तक मैं अपन करते हैं इंतजार। और इसमें अपन जो फीस को लगाने वाले हैं वो ये फीस है, इसको पहले अपन हाथ से ग्राइंडर से मशीन से बनाया हुआ है और इसको बनाकर तैयार किया हुआ है। और तैयार करने से पहले इसमें जो इसकी तुड़ाई करनी है अपन को दो सूत गहरी, इसमें जो बिट की टाँकी और हथौड़ी के सहारे से वो टुकड़ों को हटा लेना है। जैसे अपन ने दो सूत अंदर गहरी मशीन को इसमें डाला था, उनको इस तरह से हटा लेना है और बिल्कुल फिनिश करनी है पूरी धार को। पूरी फिनिश होने के बाद में दोस्तों फिर इसकी अपन बिल्कुल साइड से अपन को इसको फिनिश करना होगा, ताकि फिनिश करने में आपको कोई परेशानी हो तो टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अपन ग्राइंडर से भी इसका बिल्कुल फिनिश कर सकते हैं। देख सकते हैं आड़ा और खड़ा दोनों साइड से इसमें कट लगा रखा है, तो मार्किंग है उसके अंदर अंदर अपन इसको लगाना है। और इसकी हल्की फिनिशिंग करने के बाद में अपन को फीस को इस तरह इसमें लगा के चेक करना है, और चेक करने के बाद में अगर कहीं गैप आता है तो उसको ग्राइंडर से अपन को रिगड़ कर इसको फिक्स करना है। जिस तरह देख सकते हैं इसमें ग्राइंडर चलाकर अपन इसकी जो अंदर से जो धार है उसको एक सूत अपन ने अंदर की हुई है, तो और इधर से दो सूत अंदर अपन ने दूसरी मार्किंग तक इसको बिल्कुल फिनिश करना है। इस तरह से दोस्तों फिनिशिंग कर लेंगे। फिनिशिंग करने के बाद में दोस्तों अब इसको लगाने की प्रोसेस आती है, तो उसको लगाते किस तरह है वो जानकारी पूरी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप भी ऐसी डिजाइन कहीं बनाना चाहते हो तो आसानी से बना सकते हो, काफ़ी अच्छी डिजाइन बनाई जाती है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और ऐसी काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई है जिसमें आप मार्बल का काम करना जानते हो या सीखना चाहते हो या करते हो तो कर सकते हो। दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप इसकी जो पॉलिश की बात करते हैं अपन, तो पॉलिश किस तरह की जाती है इसकी, तो वो आप देख सकते हैं हाथ के जरिए इसमें रेगमाल को रिगड़ कर इसकी पॉलिश की जाती है। तो सबसे पहले जो किसकी कटाई होती है, तो कटाई किस तरह की जाती है तो वो भी आप देख सकते हो। कटाई करने के बाद में इसकी पॉलिश जो की जाती है, तो पॉलिश करने में क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन सा रेगमाल लगता है वो आपको मालूम होगा। तो पॉलिश करने में जैसे कि अपन 60 नंबर का रेगमाल को कटाई करने में यूज़ ले सकते हैं, उसके बाद में 120, 220, 320, 420, 60, मतलब टोटल जितने भी रेगमाल है 1500 तक का, उतना ही लगाकर इसकी पॉलिश कर सकते हैं। और
इसमें देख सकते हो चमक कितनी अच्छी आ रही है। फाइनल पॉलिश पे जा रहा है और इसकी फाइनल पॉलिश होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इसमें रेगमाल से ज़्यादा दबाव देकर इसकी पॉलिश नहीं करनी है, हल्के सहारे से इसकी पॉलिश करनी है। ज़्यादा इस पर दबाव देंगे तो इसकी पॉलिश सही ढंग से नहीं आएगी। इस पर हल्के हल्के सहारे से इस पर रेगमाल रगड़ना है ताकि इसकी पॉलिश अच्छी सी आ जाए। और पॉलिश करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें, मिट्टी धूल वगैरह कहीं भी नहीं नज़र आनी चाहिए ताकि इसमें पॉलिश सही ढंग से नहीं बैठे। और दोस्तों ये अपन फीस तैयार हो चुका है, इस जगह अपन इस फीस को लगाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कैरोलास्टिक कंपनी का एक केमिकल आता है जिसको लकड़ी पे पत्थर को चिपकाया जाता है, उस केमिकल से अपन इसको चिपकाने वाले हैं। और साइड में इसमें टिनेक्स मास्टिक को यूज़ करेंगे दोस्तों, और मास्टिक में आप देख सकते हो हार्डनर डालकर ही इसमें उपयोग करना है। कई ऐसे होते हैं बिगर हार्डनर ही मास्टिक को लगा देते हैं, तो मास्टिक सेट होती नहीं है और उसको लगा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मुख्य चीज़ यही है, जब इसको लगाते हैं तो उसके पहले एक बार इस फीस को उस जगह लगाकर चेक कर लें, उसमें जॉइंट नहीं आना चाहिए, जॉइंट बिल्कुल बारीक होना चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों इस तरह आप फीस को लगा सकते हैं, देख सकते हैं ये कितना अच्छा फीस लग चुका है इसमें। बाकी एक्स्ट्रा जो मास्टिक है उसको साफ़ करके फिनिश कर देंगे, काफ़ी सुंदर लगती है इस तरह की डिज़ाइन। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल पर काफ़ी डिज़ाइन बनाई जाती है, जिस तरह मार्बल डिज़ाइन है और इटालियन डिज़ाइन में भी बनाई जाती है, और काफ़ी तरह की डिज़ाइन हैं। जैसे काम सीख सकते हैं, अगर काम करना चाहते हैं तो आसानी से हमारी वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो दोस्तों लेते हैं आपसे विदा, जय हिंद जय भारत।